हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं पपीते से जो रेसिपी, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी और उनको पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो और आपने अभी तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही साथ हमारा बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है पपीता, तो ये फ्रेश पपीता लेके आई हूँ। तो आप इस तरीके से पपीता ले लीजिए, और पपीता बहुत ही अच्छा होता है तो बच्चों को ये खिलाना चाहिए, इसलिए इसकी इस तरीके से हम डिश बनाएंगे कि बच्चों को भी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये शेक ही हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पतली सी स्लाइस कट कर लेंगे और उसका जो छिलका है वो निकाल के हम अलग कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से पीस कट करके रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बोल में कम से कम 5-6 स्लाइसेस के पीस कट कर लिए हैं, तो इतना ही इनफ है। इसमें हमारे 5 से 6 शेक बन जाएगा, ग्लास शेक बन जाएगा। तो चलिए अब हम इन पपीते को ग्राइंडर जार की तरफ लेके चलते हैं। तो आप इनको एकदम अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से फ्रेश कट करके टुकड़े करिएगा। तो यहाँ पे मैंने जार रखा है और जार में हमने जो पपीते के टुकड़े करके रखे हुए थे वो हम एक एक करके सारे जाल में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने जार में सारे पपीते के टुकड़े डाल दिए। अब हम यहाँ पे लेंगे एकदम ठंडा दूध। तो मैंने यहाँ पे पपीता भी फ्रिज में रखा हुआ ठंडा लिया था और दूध भी हमने एकदम मलाई वाला जो घर पे यूज़ होता है वो ठंडा दूध लिया है। और हम डालेंगे इसमें चीनी। तो आपको पता है पपीता मीठा होता है, बट इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता कि हम इसमें चीनी ना डालें। तो हम यहाँ पे 50 ग्राम चीनी डालेंगे और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच खसखस दाना। खसखस दाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड, तो आप मोस्टली इसको यूज़ कीजिए और बताइए कि कैसा लगता है। और 2 हमने इसमें डाली है इलायची, और वो भी फ्लेवर के लिए। और हम डाल रहे हैं इसमें 2 बड़े चम्मच काजू बादाम का पिसा हुआ पेस्ट। तो मैं इसको घर पर ही पीस के रख लेती हूँ ताकि दूध दूध में मिक्स करके दे सके। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाता है दूध देने के लिए। तो आप इस तरीके से इसको डाल दीजिए, या फिर आप काजू और बादाम साबुत डाल दीजिए, उसका इसमें एकदम पिस जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे जार बंद कर दिया है, इसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। तो लीजिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, वाह बहुत ही अच्छा है। और इसका हम आपको कंसिस्टेंसी दिखाते हैं कि ये हमारी कितनी लिक्विड, इतना ही होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे हमने इसको हल्का दरदरा सा इसको पीसा है। आप चाहें तो बहुत फाइन भी कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा टुकड़े इसमें रहेंगे तो मुंह में आने पे बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। तो आप क्या करते हैं, इसमें आप चाहें तो आइस क्यूब भी मिला सकते हैं, बट हमारा ये ठंडा है बहुत ही, और इतना ही ठंडा आपको पीना है तो ऐसे यूज़ कर लीजिए। बट आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख के बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ग्लास की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ग्लास को पोर कर दिया है अपने शेक से, तो मैंने बराबर बराबर चारों ग्लासों में डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 5 ग्लास बन के रेडी हुए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 5-6 स्लाइसेस में मैं यहाँ पे 5 ग्लास शेक बनाऊंगी, तो मैं अभी 5वां ग्लास भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो हमने इसमें डाल दिया है खसखस दाना, और आप चाहें तो बादाम से भी इसको अच्छे से गार्निशिंग दे सकते हैं। तो खसखस दाना डालने के बाद हमें, मेरे पास है सिल्वर बॉल्स, तो जो केक एक डेकोरेशन करते हैं ना वो वाली बॉल्स, तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। अगर ये सब नहीं है आपके पास तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और बॉल्स के डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरा पिस्ता। तो थोड़ा थोड़ा सा हम सभी में हरा पिस्ता ऊपर से लगा देंगे ताकि ये देखने में बहुत सुंदर लगने लगे। और फ्रेंड्स आपको पता है, जो चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगती है वो खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, क्योंकि देखने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए हमने तो अपने सारे ग्लास को डेकोरेट कर लिया, अब मैं आपको यहाँ 5वां ग्लास दिखा रही हूँ। तो ये मेरा 5वां ग्लास आपको दिखाती हूँ, तो मैं उसको चॉकलेट सिरप से थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। तो लीजिए मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल दिया जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको जिस तरीके से ग्लास डेकोरेट करना हो, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें चॉकलेट सिरप से आप डेकोरेट करेंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। और वीडियो लेट आने के लिए फ्रेंड्स सॉरी।